मई चैनल आज हम जानेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर एच फॉलोज। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ये मैथमेटिक्स फर्स्ट में हम जानेंगे। पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें कॉस और साइन सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी के बराबर। अगर हम इसको कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कॉट ए प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। प्लस के बाद हम जानते हैं माइनस का, तो फर्स्ट होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला। नेक्स्ट है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें प्लस होता है, इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये फार्मूला कॉट ए माइनस बी का। नेक्स्ट है टू साइन ए इंटू कॉस बी, जो कि फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर हमको फार्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाना है तो इसका फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी। टू कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फार्मूला टू कॉस ए इंटू साइन बी। टू कॉस ए इंटू कॉस बी फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू साइन इंटू साइन बी इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है टू साइन इंटू साइन बी का। इसमें हम सी डी के फॉर्म में देखेंगे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू और इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू फार्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ये होता है साइन सी माइनस साइन डी का। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू का फार्मूला होता है। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू फार्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू होता है। साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा का फार्मूला। टेन के फॉर्म में भी इसी को हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है ये फार्मूला। कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ये भी फार्मूला लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी फार्मूला हो सकता है। एक ये भी हो सकता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है, एक होता है कौन सा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है टेन टू थीटा, टेन टू थीटा का फार्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कॉट टू थीटा इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू कॉट थीटा। ये होता है टेन टू थीटा का फार्मूला। फार्मूला ये भी है साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन इज टू क्यू थीटा। कॉस थ्री थीटा इक्वल टू फार्मूला फोर कॉस इज टू क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। टेन थ्री थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन बेस टू क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। कॉट थ्री
थीटा इक्वल टू होता है 3 कॉट थीटा माइनस कॉट विज टू क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है कॉट 3 थीटा का। कुछ फार्मूले ये भी हैं, साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, या इसका ये भी फार्मूला होता है 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेन थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या इसका फार्मूला ये भी होता है रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक फार्मूला होता है साइन थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू होता है प्लस माइनस रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू होता है प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अब इनके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इसी कारण ये फार्मूले हमारे इसमें अपडेट हो जाएंगे।